को सीधा करने के लिए, ये जो टेढ़ी टांगे हैं, अब इन टेढ़ी टांगों को सीधा करने के लिए एक तीन बेल्ट का एक सेट हमने डिजाइन किया है, वो हम इनको लगाते हैं। इनको घर वालों इनको सिखा दिया, अभी बांधना शुरू कर दें। चलिए स्टार्ट करिए। हाँ तो जो जो ये टांगों का टेढ़ापन, ये भी सीधा करना है, थोड़ा बीच में लाइए ऊपर। हाँ लाइए, हाँ बांधिए इसको। हाँ बांधिए, थोड़ा बांधिए। हाँ, बांधिए बांधिए, घुटने पास लाइए। हाँ हाँ लाइए, हाँ और टाइट करिए। उनको टाइट हो गया, ठीक है ठीक है, टाइट करिए। ऊपर इधर घुमा लीजिए ना साइड में। हाँ हाँ खींचिए, हाँ वेरी गुड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इनकी टीली टांगें थी, घुटने भी पास पास आ रहे हैं और टांगें इनकी सीधी हो गई हैं। एक बेल्ट और है, तो इसी तरह से एक बेल्ट यहाँ ऊपर भी बांधी जाएगी। तो इस तरह ये बेल्ट है, तीसरी बेल्ट, तो इसको मैं तीसरी बेल्ट यहाँ ऊपर बांधी जाएगी। इस तरह से बांधने से ये दोनों टांगें सीधी हो गई हैं। तो कुछ दिनों तक ये ऐसे बांध के रखेंगे तो जो मिडिल लिगामेंट है जो टाइट हो गया है, वो थोड़ा लूज हो गया है। और इसी तरह से इनको फिर हम एक्सरसाइज कराएंगे। घुटने मोड़िए मोड़िए, फिर सीधा करिए। यस, अब देखिए जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दोनों घुटने मिले हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनके बीच में एक मैगजीन फंसा देंगे, ठीक है, और सीधा करिए। हाँ फिर लाइए। हाँ ये उठा दीजिए, एक अखबार कोई चीज़ उठा दीजिए। हाँ ये, हाँ ये पेपर फंसाइए। चलिए, हाँ ये पेपर गिरना नहीं चाहिए, दबाइए। अब मैंने सिर्फ एक पेपर फंसाया है, बिल्कुल एक पेपर है, ये एक कागज़ है, ये एक पेपर फंसाया हुआ है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, हाँ पेपर नहीं निकलना चाहिए, एक एक अखबार एक पीस पर फंसा दिया। चलिए करिए, हाँ फिर सीधा करिए। ये एक्सरसाइज एक दिन में 1,000 से लेकर 1,00,000 बार तक करनी है। जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका घुटना मजबूत होगा। और जब आपका घुटना चेंज कर देंगे नी रिप्लेसमेंट के बाद भी, एक यही एक्सरसाइज आपको करनी है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। बात आई समझ में आपकी? हाँ तो ये एक्सरसाइज करनी है। और पलट जाइए, पलट जाइए, फिर दोबारा से मोड़िए घुटनों को। हाँ फिर सीधा करिए। देखिए अब दोनों घुटने मिले हुए हैं इनके ऊपर से, देखिए। चलिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए, फिर मोड़िए, फिर सीधा करिए। ये एक्सरसाइज अभी हम इनको, चूँकि अभी इनको पैसे का इंतज़ाम करना है नी रिप्लेसमेंट के लिए, ये घर जा रहे हैं, तब तक हमने इनको बेल्ट का सेट, तीसरी बेल्ट ही पड़ी हुई है, हमने बेल्ट का सेट इनको दे रहे हैं इनको। और ये घर पर जा करके इस तरह से एक्सरसाइज करा करके वापस आएंगे, तो तब तक जॉइंट इनके लिगामेंट्स भी, ACL, PCL, MCL, LCL, वो भी चारों ट्यून हो जाएंगे। ये हेमिस्ट्रिंग मसल्स हैं, फिर इनकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, ये भी स्ट्रांग हो जाएंगी। और उसके बाद 1 महीने बाद ये पूरा स्ट्रांग हो जाएंगी और ये थुलथुलपन इनका ख़त्म हो जाएगा। थुलथुलपन, ये पूरी फैट भरी हुई है ऊपर नीचे, तब उसके बाद इनकी मैं एक्सरसाइज करूँगा। मैं बीज जरूर बोऊँगा लेकिन पहले खेत को तैयार करूँगा। मैं हमेशा नी रिप्लेसमेंट जब करता हूँ, जब मरीज ऑप्टिमली फिट हो जाता है नी रिप्लेसमेंट के लिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब भले ही ये किसी दूसरी जगह भाग जाए, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, पर मैं नी रिप्लेसमेंट जब ही करूँगा जब मरीज नी रिप्लेसमेंट के लिए ऑप्टिमली फिट हो जाए। सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए, बैठ जाइए, पैर लटकाइए। ठीक, अब ठीक, अब यहाँ फिर कोई चीज़ फंसा लीजिए पैरों के अंदर। ये आपने एक्सरे का कवर फंसा लिया, फंसाइए इसको। अब फिर करिए एक्सरसाइज। हाँ फिर नीचे ले जाइए, मोड़िए। हाँ ये एक्सरे का कवर गिरना नहीं चाहिए, या कोई अखबार फंसा सकते हैं, शादी का मोटा कार्ड फंसा सकते हैं। चलिए करिए। हाँ ये एक्सरसाइज करेंगे तो इस चीज़ से इनको काफ़ी आराम मिलेगा। और इन्होंने यहाँ आने के बाद इन्होंने फील भी किया है, ही फीलिंग मच बेटर। तो ये एक तरीका है बहुत ज़्यादा ख़राब घुटनों के लिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की तैयारी करने का, और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का रिजल्ट अच्छे कैसे आएगा एक्सरसाइज। ये दो एक्सरसाइज हैं जो हर मरीज को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले को करनी चाहिए, चाहे रिप्लेसमेंट कराना है।
चाहे नहीं कराना है, रन्नी में अर्थराइटिस है, पेन है, तो फिर ये एक्सरसाइज राममार दवा सिद्ध हुई है, ये करनी ही करनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं डॉक्टर सुभाषल ऑर्थोपेडिक सर्जन, कहने का मतलब है मैं इनको खींच रहा हूँ, ये निकलने नहीं दे रहे हैं, यही चाहिए मुझे। मैं एक्सरे की कवर को खींच रहा हूँ, लिफाफे को इतनी ज़ोर से दबाया हुआ, खींच नहीं दे रहे। और घुटना मोड़िए और घुटना सीधा करिए, बिल्कुल ये बाप निकल के बाहर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इंटेलिजेंट आदमी है, सब समझ गए हैं, पर ये इनका दुर्भाग्य, ये अब मेरे पास अब आए हैं, पर ये इज़ वेरी इंटेलिजेंट, पर इनके साथ चार पाँच लड़के आए हैं, दे ऑल आर इंटेलिजेंट, अगर ये कर लेंगे, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक इनको ज़िंदगी में कष्ट नहीं होना देना है, ठीक। मैं डॉक्टर सुभाषल ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810012433, लैंडलाइन 0114243006।